बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 48 घंटों का जो ख्वातीन का धरना था एनपीआर एनआरसी और सीए के खिलाफ दारुशफा प्ले ग्राउंड पर, अभी सिर्फ 10 मिनट पहले तक पुलिस अथॉरिटीज से बहरहाल गुफ्तगू चलते रही। आखिरकार ये समझिए कि जगह तब्दील हो रही है। अब 27 तारीख को सुबह 11 बजे ईदगाह मीरालम पर ख्वातीन का अजीमुशान धरना इस सिया कानून के खिलाफ मुनक्किद होगा और इंशाल्लाह जिस तरह मिलियन मार्च में पूरे नज्म व ज़ब्त के साथ, जोश व खरोश के साथ आप अपने बीवी बच्चों के साथ शिरकत किए थे, उसी तरह इस धरने में भी आपको शिरकत करना है। ये एहतजाज अभी ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक जब तक के मरकजी हुकूमत अपने सिया कवानीन को वापस नहीं लेगी और हमारी, समझिए कि इस मुल्क में शहरियत और हमारे हुकूक का तहफ़ नहीं होगा, उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। तो 27 को सुबह 11 बजे आपको सीधा मीरालम ईदगाह पहुंचना है और वहाँ अजीमुशान धरना मुनक्किद होगा। ये धरना 27 और 28 तारीख, बहरहाल समझिए 48 घंटे का धरना समझिए तय किया गया है। आगे जो भी समझिए कि इस धरने के ताल्लुक से बात रहेगी आपको अपडेट दिया जाएगा, लेकिन ये तयशुदा ऐलान है, इसमें मजीद कोई तब्दीली नहीं होगी। रात 12 बज रहे हैं और 11:50 तक पुलिस ऑफिसर्स से इस सिलसिले में मुस्तकिल गुफ्तगू होते रही है और अभी बहरहाल ये तय हुआ है कि ये ख्वातीन का धरना ईदगाह मीरालम पर मुनक्किद होगा सुबह 11 बजे। मुझे पूरी तवक्को है कि हम अपने आप को बचाने, अपनी इज्जत और वक़ार को बचाने, अपनी शहरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मुल्क में जो अजीम लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो समझिए कि उसके लिए आप पुरजोश अपने घरों से निकलेंगे। 11 बजे 27 जनवरी को मीरालम ईदगाह आपको पहुंचना है पूरे नज्म व ज़ब्त के साथ। वहां पूरे हर किस्म के इंतजाम किए जा रहे हैं, इंतजामी उमूर में इंशाल्लाह कोई कोताही नहीं होगी, बुनियादी तमाम जरूरियात की तकमील वहां पर समझिए कि की जाएगी। आपका ताबुन, आपका अज़्म समझिए ये लड़ाई को मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। कोई समझिए कि इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि रियासत में एनआरसी होगा, एनपीआर होगा या नहीं होगा। ये समझिए कि लड़ाई हमारी मरकजी हुकूमत से है, सिया कानून के खिलाफ है। आपको इस एहतजाज का हिस्सा बनना है अपने बीवी बच्चों के साथ। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी 27 तारीख को ईदगाह मीरालम पर 11 बजे। इस खबरनामे के टाउन करदा बासलमा टूर्स एंड ट्रैवल्स हजुमरा ग्रुप।